हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास सेवन इंग्लिश रीडर बुक का चैप्टर नंबर सेवन चांदनी। इसका फर्स्ट पार्ट हमने इसके पहले की वीडियो में किया था, इस वीडियो में करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। तो इस पार्ट में हम क्या देखेंगे, लाइक अदर गुड्स चांदनी टू मीस द हिल्स। फर्स्ट पार्ट में देखा कि कैसे वन बाय वन करके अबू खान की सभी गोट कहाँ जाती है, हिल्स पर जाती है, ठीक है। लेकिन चांदनी जो नई गोट थी इसे मतलब हिल्स की बिल्कुल भी याद नहीं आती थी, बट इस पार्ट में क्या होगा, चांदनी को भी हिल्स की याद आती है बाकी गोट्स की तरह। शी टोल्ड अबू खान शी मस्ट हैव हर फ्रीडम। फिर चांदनी अबू खान को बोलेगी कि मुझे अपना फ्रीडम चाहिए। द स्टोरी ऑफ द डेंजरस वुल्फ, ठीक है, डेंजरस वुल्फ की स्टोरी इन द फॉरेस्ट डिड नॉट डिस्करेज चांदनी। मतलब जो अबू खान बताते आ रहे थे चांदनी को कि वुल्फ कितना डेंजरस है, ठीक है, तो ये जो स्टोरी थी वुल्फ की ये बिल्कुल भी मतलब चांदनी का करेज कम नहीं करती है, ठीक है। सो आप देखते हैं सेकेंड पार्ट। एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉच द हिल टॉप्स बाथ इन द सनलाइट। मतलब हर मॉर्निंग चांदनी क्या करती थी, हिल टॉप्स, ठीक है, पहाड़ी की जो ऊंचाई थी उसे देखती थी कि कैसे सनलाइट में बाथिंग कर रही है। हाउ ब्यूटिफुल दोज हिल्स आर, और उसको लगता था कि कितनी ब्यूटिफुल है ये पहाड़ियाँ। शी थॉट हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लोज थ्रू देम, और उसको लगता था कि इन पहाड़ियों में बहने वाली हवा कितनी फ्रेश, कितनी ताज़ी रहती होंगी। एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स, और कितना अच्छा लगता होगा उन ग्रीन फील्ड्स में से रन करने के लिए। She ran towards the hills but had to stop with a jerk. The rope round her neck wouldn't let her go any further. जैसे ही वो ये सब कुछ सोचती है तो उसका मन करता है पहाड़ी पर जाने का, और वो रन भी करना स्टार्ट करती है, लेकिन क्या होता है, एकदम से जर्क जर्क मतलब उसको झटका लगता है। झटका किसका, क्योंकि उसके गले में अबू खान ने क्या बांध के रखा था, रोप, ठीक है, तो रोप उसको आगे जाने नहीं देता। हाउ शी हेटेड दैट रोप, और चांदनी जो थी उस रोप को बहुत ज़्यादा हेट करने लग गई थी। शी स्टॉप ईटिंग द ग्रीन ग्रास अबू खान ब्रॉट फॉर हर। अबू खान जो भी ग्रीन ग्रास चांदनी के लिए लाते थे, चांदनी तो खाना ही पसंद नहीं कर रही थी। नॉट डिड शी लिसन टू हिज स्टोरीज विथ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन, और जितने इंटरेस्ट एंड अफेक्शन के साथ पहले वो अबू खान की स्टोरीज सुनती थी, अब वो इंटरेस्ट वो अफेक्शन बिल्कुल भी नहीं था। शी लॉस्ट हर एपेटाइट, एपेटाइट मतलब भूख, वो अपनी भूख ही मतलब उसने खो दी थी। ग्रू वेरी थिन, बहुत ही दुबली पतली सी हो गई थी, खाना नहीं खा रही थी। एंड स्टेयर्ड मूडीली एट द हिल टॉप्स बाथ इन सनलाइट, और क्या करती थी मतलब पूरा टाइम वो स्टेयर मतलब घूरना, ठीक है, तो किसे घूरती रहती थी, हिल टॉप्स को, ठीक है, पहाड़ी को ही देखते रहती थी कैसे सनलाइट में बाथिंग कर रही है। अबू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनीज एंग्विश, अबू खान को तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि चांदनी ऐसा क्यों कर रही है। एट लास्ट शी डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रेंकली, फिर बाद में चांदनी डिसाइड करती है कि चलो अबू खान को बता ही देती हूँ। डियर अबू खान शी सेड, चांदनी बोलती है डियर अबू खान लेट मी गो टू द हिल्स प्लीज़, बोलती है कि कृपया करके मुझे हिल्स पर जाने दीजिए। इफ़ आई स्टे इन ऑन इन योर कंपाउंड आई विल डाई, और क्या बोलते हैं, अगर मैं आपके कंपाउंड में रही तो डेफिनेटली मेरी मौत हो जाएगी, ठीक है। नाउ अबू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम, अब अबू खान को समझ में आ गया था कि चांदनी की असली प्रॉब्लम क्या है। बट इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी, लेकिन ये सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हो जाते, सैड हो जाते। द अदन पॉट विच कंटेंट चांदनीज ब्रेकफास्ट फेल फ्रॉम हिज हैंड्स एंड ब्रोक इंटू 1000 pieces। फिर उनके हाथ में जो अदन पॉट होता है मतलब मिट्टी का जो बर्तन होता है जिसमें चांदनी का ब्रेकफास्ट होता है, वो गिर जाता है ज़मीन पर और उसके थाउजेंड्स ऑफ पीसेस मतलब हजारों टुकड़े हो जाते, जैसे कि अबू खान के दिल के हो चुके थे, ठीक है। वाई डू यू वॉन्ट टू लिव मी चांदनी, फिर अबू खान पूछते कि चांदनी तुम मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहती हो। अबू खान आस्क, ऐसे अबू खान पूछते आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, चांदनी आंसर, चांदनी क्या आंसर देती है, मैं हिल्स पर जाना चाहती हूँ। डोंट यू लाइक द फूड हियर आई विल गिव यू टेस्टियर फूड एंड अ मच लॉन्गर रोप, फिर अबू खान बोलते कि क्या तुम्हें यहाँ का खाना पसंद नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो मैं तुम्हें इससे भी अच्छा टेस्टियर फूड दूंगा, और जितना तुम्हारा रोप है इससे बड़ा लंबा रोप मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर
प्रोवाइड कर दूंगा। नो थैंक यू, लेट मी गो टू द हिल्स। फिर भी चांदनी क्या बोलती, नहीं नहीं धन्यवाद, लेकिन मुझे हिल्स पर ही जाना है, मुझे वहीं पे जाने दो। डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग यू ऑब्स्टिनेट क्रिएचर। फिर अबू खान क्या बोलते चांदनी को कि क्या तुम्हें पता है, रियलाइज कर पा रही हो कि हिल पर जाना कितना रिस्की हो सकता है। देयर इज़ अ डेंजरस वुल्फ इन द हिल्स। फिर अबू खान बताते कि उन हिल्स पर एक बहुत ही डेंजरस वुल्फ रहता है, ही विल ईट यू अप। तुम जैसे वहाँ पे जाओगे तुम्हें वो खा जाएगा। अबू खान डिड हिज बेस्ट टू वॉर्न हर। अबू खान से जितना हो सकता था उतना वो अपना बेस्ट देते हैं चांदनी को वॉर्न करने के लिए। चांदनी आंसर्ड, फिर भी देखो चांदनी क्या बोलते हैं, गॉड हैज़ गिवन मी अ पेयर ऑफ हॉर्न्स, आई विल फाइट द वुल्फ। भगवान ने मुझे दो सिंग दिए हैं जिसकी हेल्प से मैं वुल्फ के साथ फाइट कर सकती हूँ। फाइट द वुल्फ इंडीड। फिर देखो अबू खान बोलते हैव यू फॉरगॉटन द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर कलुआ हु वॉज द साइज ऑफ बिग डियर। फिर अबू खान बोलते तुम फाइट करोगी वुल्फ के साथ, क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारी जो सिस्टर कलुआ थी वो कैसी थी, एकदम डियर के साइज़ की थी, इतनी बड़ी थी, फिर भी देखो क्या होता है उसके साथ, शी फॉट द वुल्फ थ्रू द नाइट। पूरी रात वो वुल्फ के साथ फाइट करती है, बट वॉज किल्ड इन द मॉर्निंग, लेकिन सुबह वो मर जाती है। अबू खान नरेटेड कलुआ स्टोरी फॉर द 50th टाइम, मतलब 50th टाइम वो चांदनी को कलुआ की स्टोरी इस बार बता रहे होते हैं। All this Chandni had only one thing to say, I want to go to the hills. इतना सब कुछ अबू खान बताते हैं फिर भी चांदनी के पास एक ही शब्द होता है कि मुझे तो हिल्स पर ही जाना है। अबू खान got very annoyed. अबू खान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, he thundered, वो धमकी देते you are not going anywhere. बोलते चांदनी को कि तुम कहीं नहीं जा रही हो। From today you will live in a small hut. और आज से तुम इसी small hut के अंदर रहोगी and not move about freely in the compound. और तुम्हें compound में भी freely घूमने की आज़ादी अब बिल्कुल नहीं है, इस कमरे के अंदर पड़े रहना है। Ungrateful as you are, you must still be saved from the wolf. फिर अबू खान बोलते हैं कि तुम जैसी भी हो, मतलब अनग्रेटफुल बोला है तो यहाँ पे इसका मीनिंग होगा कि तुम जैसी भी क्रिएचर हो, जैसा भी एनिमल हो, लेकिन मैं तुम्हें उस डेंजरस वुल्फ से बचा के ही रहूँगा। ही पुश्ड हर इंटू अ स्मॉल हट एंड शट द डोर। फिर क्या होता है, अबू खान चांदनी को पुश करते हट के अंदर और डोर क्लोज कर देते हैं। बट ही फॉरगॉट टू क्लोज अ स्मॉल विंडो एट द बैक। लेकिन सेम रूम में एक विंडो भी होती है तो उस विंडो को क्लोज करना अबू खान भूल जाते। द सेम नाइट, उसी रात क्या होता है, चांदनी मेड दैट विंडो हर पैसेज टू फ्रीडम। तो चांदनी उसी विंडो को अपना पैसेज बनाती है अपनी फ्रीडम का। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया, थर्ड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।